हेलो दोस्तों, अभय टेक्निकल हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक HP के लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं। वो एक रिफ्यूजेबल लैपटॉप है। तो दोस्तों, उसमें 4 GB रैम और 512 SSD है। उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। हम उसे 2 दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा PC। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये HP कंपनी का है। इसकी 4 GB रैम, 512 में SSD पड़ी SSD डली हुई है। तो दोस्तों, ये वन क्लिक पर काम करता है। बहुत ही स्पीड है इस लैपटॉप की। तो जैसे कि हम आपको ये ब्रेव ब्राउज़र ओपन करके दिखाते हैं, देखिएगा उसी टाइम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब ब्राउज़र को 3-4 बार क्लिक करेंगे, मतलब 3-4 बार ओपन करेंगे, तो देखिएगा इस यहाँ पर ये हमने इसके बहुत सारे वो बना रखे हैं ब्राउज़र। ये देखिए, हम इसे ओपन कर, इसमें आप 10 बार ब्राउज़र बना रखे हैं हमने। दोस्तों, इसमें हमने 10-12 ब्राउज़र बना रखे हैं। देखिए दोस्तों, ये इसकी स्टोरेज रही 195 GB, 195 GB, 85.8 GB। तो दोस्तों, हम इसके आपको वो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें रैम 4 GB है। प्रोसेसर इसमें आइटल कोर 1.5 है। ये देखिए दोस्तों, इसमें विंडो 10 एंटरप्राइज है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, उस हिसाब से ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। 20,000 में कोई बुरा लैपटॉप नहीं है। बहुत ही स्पीड में काम करता है। 512 SSD डली हुई है इसमें, जिसकी वजह से स्पीड में काम करता है। तो दोस्तों, हमने इसमें बहुत इसको यूज़ करा पूरे तरीके से, इसमें बहुत सारे टैब खोले, तो उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये बस ज़्यादा टैब खोलने पर थोड़ा हैंग हो गया था। बाकी आप इसमें रैम डलवा सकते हैं 8 GB, तो ये उससे और स्पीड में और स्पीड देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभय टेक्निकल हैकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।